हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। तो आज फिर एक न्यू बैंक जॉब अपडेट के साथ न्यू वैकेंसी आई हुई है और IDFC फर्स्ट में भाई साहब हायरिंग कर रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा हायरिंग करता है, ठीक है, बेस्ट है। चलिए बात करते हैं लोकेशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और IDFC फर्स्ट बैंक हायरिंग कर रहा है तो आप समझ जाइए वॉकिंग इंटरव्यू है, ठीक है, वॉकिंग इंटरव्यू है, फेस टू फेस इंटरव्यू है, आपको जाना पड़ेगा बैंक में। तो बात करते हैं इंटरव्यू एड्रेस से। और भाई साहब रोल टाइटल तो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो जॉब रोल है वो बहुत ज़्यादा पोजीशंस के लिए हायरिंग है, ठीक है। तो IDFC फर्स्ट बैंक है, स्टार्ट करते हैं। जॉब टाइटल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सीनियर सेल्स मैनेजर हाउस होल्ड, सीनियर सेल्स मैनेजर करंट अकाउंट, एसोसिएट मैनेजर एक्वाजिशन हाउस होल्ड, एसोसिएट मैनेजर एक्वाजिशन करंट अकाउंट, ठीक है, बैंकर कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस, डिप्टी ब्रांच मैनेजर, ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर, टेलर। 8 पोस्ट के लिए हायरिंग है एक ही लोकेशन पे। अगर मैं बात करूँ एक ही लोकेशन पे भाई साहब 8 पोस्ट के लिए हायरिंग बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ठीक है, अब बिजनेस क्या है, ब्रांच बैंकिंग। तो और 8 पोस्ट में जो हायरिंग है वो है ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके साथ साथ एज क्राइटेरिया अप टू 32 ईयर, 32 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं वॉकिंग इंटरव्यू में। एक्सपीरियंस मांगा गया है भाई, एक्सपीरियंस सब में नीडेड है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस है यहाँ पे 1 to 6 ईयर, 1 साल से 6 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। प्रेफरेंस एक बार और डिसाइड कर लेते हैं। कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन कासा सेल्स, शुड हैव एन एक्सीलेंट एंड बर्वर रिटेन इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो भाई साहब इंग्लिश यहाँ पे मांगी गई है, इंग्लिश की ज़रूरत है। लोकल कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड, जा सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन में मांगा गया ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 55% मार्क्स एंड 10th और 12th में भी 55 के आसपास रहने चाहिए, ठीक है। और अगर कहीं पे आप एम्प्लॉय हैं तो पास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप, या फिर आपने कहीं से रिजाइन दे दिया तो रिलीविंग या एक्सपीरियंस लेटर चाहिए रहेगा। डॉक्यूमेंट में अपडेटेड रिज्यूम में आपका चाहिए, ठीक है। बाकी फ़ोन में डॉक्यूमेंट्स, बाकी अदर फ़ोन में डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, बट अपडेटेड रिज्यूम में आपको फिजिकल निकलवा के ले जाना है, ठीक है। अब वर्क लोकेशन की अगर हम बात करें तो सिंपली आप देखिएगा कोलकाता वर्क लोकेशन है, तो कोलकाता में हायरिंग है अभी, तो सबसे बेस्ट है कोलकाता वालों के लिए। 8 रोल्स के लिए हायरिंग है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो फ्रेशर्स हैं वो भी जा सकते हैं इसमें, क्योंकि भाई टेलर की पोस्ट फ्रेशर वाले भी जाते हैं, ठीक है, और ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर में फ्रेशर वाले जाते हैं, तो फ्रेशर्स आप भी जा सकते हो, आप एलिजिबल हो, कोलकाता में है, ठीक है। इंटरव्यू डेट है आपकी, मैं बता देता हूँ, इंटरव्यू डेट है आपकी 19, ठीक है, एंड 20 मई, ठीक है। तो 19 और 20 आपका इंटरव्यू डेट है, सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक इंटरव्यू चलेंगे, ठीक है। एक बार आप डेट देख लीजिए, यहाँ पे 19 और 20 ये डेट है, ठीक है। और अब इंटरव्यू एड्रेस सुन लीजिए आप, ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड कोलकाता, ठीक है, बेहाला ब्रांच, 15, ठीक है, डिवाइडेड 37, ठीक है, बानामाली, गोसल लेन, श्रद्धापल्ली, ठीक है, जेम्स लॉन्ग सारनी कोलकाता। तो और लैंडमार्क है बिसाइड जेम्स लॉन्ग क्लिनिक, ठीक है, जेम्स लॉन्ग क्लिनिक। तो ये इंटरव्यू एड्रेस है, तो यार चले जाइएगा, बहुत बेस्ट है। बाकी मैं ये अभी डाल दूंगा वीडियो अपलोड होने के बाद। तो 19 और 20 इंटरव्यू 8 पोजीशंस के लिए कोलकाता में हायरिंग एक ही बैंक में, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सबका डिफरेंट रहने वाला है, बट स्टार्टिंग सैलरी मैं बोल दूँ तो यार आपका 18 से 20 हज़ार रहने वाला है फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर टेलर के लिए तो 18 से 20 हज़ार के आसपास रहने वाला है। तो बहुत अच्छा, IDFC फर्स्ट बैंक सबसे ज़्यादा वॉकिंग इंटरव्यू करता है, अभी कोलकाता में हायरिंग है 8 पोजीशंस के लिए, सबसे बेस्ट पार्ट ये है, तो जाइएगा जरूर जो कोलकाता में रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बेस्ट है, इंग्लिश आपको आना चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच यार, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस इंटरव्यू, जरूर अटेंड कीजिएगा वॉकिंग इंटरव्यू। अपडेटेड रिज्यूम में फिजिकल निकलवा के ले जाना है आपको अपना, ठीक है, तो जाइए, बेस्ट रहने वाला है। थैंक यू।